हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन न्यूज चेतना और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नायका न्यूली लॉन्च कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट। सो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी न्यूली नोटिफिकेशन को जल्दी पा सको। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ भी कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने जो पैलेट परचेस किया है वो अच्छा है या नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे जो मैं पैलेट की बात करने जा रही हूँ वो नायका कॉन्कॉर हाईलाइट पैलेट है जो नायका ने अभी हाल ही में 10 डेज पहले लॉन्च किया है। इसमें इसका जो प्राइस है वो 699 रुपीज है। अगेन, जो इसके पहले के ब्लश पैलेट थे और हाइलाइटर पैलेट थे उसी का ही सेम प्राइस इन्होंने रखा है, जिसके अंदर आपको 9 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसकी पैकेजिंग भी कुछ पहले वाले ब्लश और कॉन्टोर की तरह सेम पैकेजिंग है। इस तरह की कार्डबोर्ड नायका पिंक पैकेजिंग के अंदर ये आता है। इसको ओपन करूंगी। यहाँ पे ओपन करने के बाद मुझे ये पैलेट रिसीव हुआ है जिसके ऊपर नायका लिखा हुआ है। एज यूजुअल पहले की पैकेजिंग की तरह है, पैकेजिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। इसके पीछे नायका कॉन्टोर हाईलाइट लिखा हुआ है और कहाँ पर ये बनी हुई है वो लिखा हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर एज यूजुअल सभी पैलेट के अंदर जैसी प्लास्टिक आती है उसको सेव करने के लिए, उस तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग आती है। उसके बाद में इस पैलेट के अंदर 2 शेड हैं, एक कॉन्टोर एंड एक हाईलाइट। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को चीज बताना चाहूंगी कि नायका का जो प्रीवियस ब्रॉन्जर पैलेट था, हाईलाइट पैलेट, सेम उसी की तरह की पैकेजिंग है। आप देख सकते हो पैकेजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पीछे जैसा लिखा हुआ होता है वैसे ही होता है। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को इसके रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं आप लोगों को इसका डेमो बताऊंगी कि ये फेस पर अप्लाई करने के बाद कैसा दिखता है। और अभी जो नायका ने है इस कॉन्टोर पैलेट और हाईलाइट पैलेट के अंदर सिर्फ एक ही शेड लॉन्च किया है जो है 01 सिजर शिजल। सो गाइज, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में इसके डेमो शेयर करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे पैलेट में से सबसे पहले आपको फिंगर की हेल्प से स्वॉच करके दिखाऊंगी अपने हैंड पर। ये आप देख सकते हैं एक साइड में हाईलाइट है और दूसरी साइड में कॉन्टोर है। कॉन्टोर का कलर जो है वो हल्का सा डार्क है, बट ये सभी स्किन टोन वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। और दूसरी साइड में हाईलाइट है जो कि मैट हाईलाइट है, एकदम मैट फिनिश हाईलाइट देगा। कोई बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं है, कोई ज़्यादा शाइनी नहीं है, एकदम मैट नेचुरल हाईलाइट है एंड कॉन्टोर भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे क्लीन कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से सबसे पहले 2 स्वाइप जो है मैं इसके कॉन्टोर के लूँगी और अपने चीक बोन एरिया पर इसे अप्लाई करूँगी अंडर चीक पर। आप देख सकते हैं ये दिखने में हल्का सा डार्क दिख रहा है, बट गाइस जब हम 2-3 बार इसे ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है और एकदम नेचुरल मैट फिनिश देता है। इसमें एक ही कलर लॉन्च हुआ है बट ये कलर बहुत अच्छा कॉन्टोर कलर है। ये दिखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा डार्क जाएगा बट कोई डार्कनेस इसके अंदर नहीं रहती है जब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं तब। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है ये। नेक्स्ट, अब मैं अपनी जॉ लाइन पे भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है इस सेम कॉन्टोर को और आप देख सकते हैं कितना ब्लेंडेबल है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से। सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी साइड पर भी अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्वाइप लिया है, आप देख सकते हैं उसमें ये कितना लाइट, एकदम कैमरे में दिख भी नहीं रहा है इतना लाइट लग रहा है। इसलिए हमें एटलीस्ट 2 स्वाइप तो कॉन्टोर लेना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 स्वाइप में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने ब्रश में सिंगल स्वाइप लिया है। आप देख सकते हैं बहुत लाइट दिख रहा है। अब मैं एक क्लीन ब्रश लूँगी और यहाँ पर जो हाईलाइट है
जिसमें इसमें पैकेजिंग में लिखा हुआ था कि आप अंडर आई एरिया को हाईलाइट कर सकते हो, फॉरहेड को हाईलाइट कर सकते हो और अपने चीक बोन को हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जब एक क्लीन ब्रश को जब मैंने अंडर आई एरिया पर अप्लाई किया तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था, बिकॉज हमारे आई डार्क सर्कल होते हैं आई के नीचे, तो बहुत ज़्यादा शिमर तो नहीं कह सकते बट थोड़ा शाइन कर रहा था। इसलिए मैंने अपने सिर्फ इसे डायरेक्ट चीक बोन पर अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं एक नेचुरल मैट फिनिश की ये हाईलाइटिंग दे रहा है, फॉरहेड पर भी नेचुरल मैट फिनिश की हाईलाइटिंग दे रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका जो हाईलाइट है वो एक तरीके से मैट शिमर लुक देता है, बहुत ज़्यादा जैसे कि ब्रॉन्जर और शिमर का जो पैलेट है नायका का उस तरीके का नहीं है, एकदम नेचुरल मैट फिनिश देता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं जब मैंने अंडर आई एरिया पर अप्लाई किया तो किस तरह की शाइन आ रही है, और जब अपने चीक्स पर अप्लाई किया तो किस तरह की शाइन आ रही है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जब मैं 2 to 3 स्वाइप और लूँगी अंडर आई एरिया के नीचे तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेकार सा लगेगा ये। तो आप इसे अंडर आई एरिया पर यूज़ ना करके इसको जब चीक्स पर अप्लाई करोगे, चीक बोन के नीचे हाईलाइटिंग करोगे, तो बहुत बहुत खूबसूरत दिखेगा ये, एकदम नेचुरल लुक देगा। सो गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को इस पैलेट के बारे में बताना चाहूंगी कि जैसा कि उस पर लिखा हुआ है कि वो जो है अंडर आई एरिया को हाईलाइट करता है फॉरहेड के लिए और फेस हाईलाइटिंग के लिए यूज में आता है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि वो जो पैलेट में जो हाईलाइट है वो अंडर आई एरिया पर आप अप्लाई करोगे तो जैसे कि मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे कितना हाईलाइट दिख रहा है, जैसे कि कंसीलर से हम डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं उस तरीके का वो हाईलाइट नहीं है, वो उसको आप जो है नॉर्मल आप हाईलाइटिंग के साइड में चेक पर यूज कर सकते हो, अंडर आई एरिया पर आप यूज नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है कि जो कॉन्टोर और हाईलाइट है दोनों ही मैट फिनिश देते हैं, ये जो है वो एकदम नेचुरल लुक देता है, वो सभी स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा कॉन्टोर है। सो गाइज, ये था मेरा नायका न्यूली लॉन्च कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट का रिव्यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इस पैलेट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो गाइज आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।